जिसको आप एजुकेशन से रोक रहे हैं उसका परीक्षा क्यों ले रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि बिहार में 2020 में और 21 में जो रिजल्ट आया है, बिना पढ़े हुए लड़के पास कर गए हैं, अंग्रेज तो चले गए लेकिन ये राजनेता अंग्रेज के बाल बच्चा से भी ज्यादा बदतर है। और कल वही आंदोलन करेंगे कि हमें नौकरी दो, आप नौकरी अपने घर से ला के दीजिएगा, बिना पढ़े आप नौकरी दे रहे हैं आपकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं इस वक्त की बहुत बड़ी खबर में। ये वीडियो थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, जो भी लोग देख रहे हो मैट्रिक और इंटर के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बहुत बड़ी अपडेट है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना। वीडियो को जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, आप लोगों के साथ मैं शुरू से बना हुआ हूँ और लास्ट तक बना रहूँगा, तो पूरी खबर बस भी आपको ध्यान से देखना है। और जो भी हर एक बंदा देख रहा है, हर एक बंदा इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करेगा, ठीक है, तो ही आप लोग का रिजल्ट जो है यहाँ पर सुधरने जा रहा है। पूरी खबर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आपके रिजल्ट के लिए सबसे पहले जो वीडियो दी गई थी वो अभिषेक ट्यूटोरियल के द्वारा ही दी गई थी। जैसे ही इंटर का रिजल्ट आया था उसी दिन मैंने बता दिया था कि आप लोग का रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये जो है इसे मार्क्स को सुधारना चाहिए। और यहाँ पर मैट्रिक का भी रिजल्ट आया तो सबसे पहले अभिषेक ट्यूटोरियल ही दिखाया कि मैट्रिक रिजल्ट में कैसे यहाँ पर छात्रों के साथ गलत यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है, कैसे छात्रों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी दिखाई है। अपनी कॉमेंट करके सभी लोगों ने राय बताई थी, यहाँ पर बड़ी खबर आ गई सभी दोस्तों के लिए, तो पूरी खबर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इंटर मैट्रिक में अब सभी के मार्क्स बढ़ेंगे, जो भी छात्रों के कम मार्क्स मिले हैं, जिन्हें भी कम मार्क्स दिया गया है, चाहे किसी भी गलत की वजह से दिया गया हो या आपके कंप्यूटराइज की गलती की वजह से दिया गया हो, किसी भी गलती की वजह से अगर इंटर और मैट्रिक के छात्रों के मार्क्स कम दिए गए हैं, उनके मार्क्स जो है अब 100% बढ़ेंगे। पूरी खबर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही कॉमेंट कीजिएगा। आपको बता दें कि इंटर वालों के लिए स्क्रूटनी भी करवाया गया और इंटर का स्क्रूटनी जो है समाप्त भी हो गया। अब यहाँ पे मैट्रिक का भी स्क्रूटनी शुरू हो रहा है। यहाँ पे स्क्रूटनी से छात्रों को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, छात्रों को सिर्फ चाहिए तो मार्क्स यहाँ पे बढ़ना है। यहाँ पे देखिए पूरी खबर ध्यान से देखना, आप लोग को घबराना नहीं। अगर आपका सपना है 2022 में नीट क्रैक करने का तो अनअकैडमी का बम्पर ऑफर चल रहा है फॉर नीट 2022 एस्पायरेंस के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आज ही 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लें क्योंकि ये ऑफर बार बार नहीं मिलेगा। बम्पर ऑफर चल रहा है अनअकैडमी की तरफ से, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, 10% का डिस्काउंट ही मिलेगा, तो आज ही रेफरल कोड अभिषेक ट्यूटोरियल यूज करें। साथ ही साथ 2021 के लिए अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 31 जुलाई तक आपको फ्री में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और 1 अगस्त को आप लोग का पेपर है, ये भी जान लें। साथ ही साथ नीट 2021 के लिए रिवीजन बैच चल रहा है 90 डेज का, जो कि 3 अप्रैल से शुरू है, तो देर किस बात की, आज ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इनरोल करें और अपने सपने को आज ही पूरा करें। एक और शानदार बैच अर्ली इंस्टीट्यूट बैच फॉर नीट 2022 के लिए 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है, इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर मिल जाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 10% का डिस्काउंट के लिए रेफरल कोड अभिषेक ट्यूटोरियल यूज करना है। इवॉल्व बैच शुरू हो रहा है आपका 17 अप्रैल से, वो भी रवि प्रकाश, सलेन तनबर और प्रणव पुंडारी के साथ, तो आज ही इनरोल करो और सपने को पूरा करो। एक साल का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 38,500 रुपये लगते हैं कोटा के टीचर से पढ़ने का, अगर 2 सालों का लेते हैं तो 56,000 में, वो भी 10% का डिस्काउंट अलग से है। 10% का डिस्काउंट लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आज ही इनरोल करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्रूटनी के लिए मैट्रिक का भी आवेदन जो है वो 11 अप्रैल से होने जा रहा है, यानी 11 अप्रैल से आप लोग जो है स्क्रूटनी का आवेदन करेंगे मैट्रिक वाले, क्योंकि 10 अप्रैल तक कंपार्टमेंटल का आवेदन हो रहा है इंटर वालों के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो होता रहेगा, ये सब चीज़ आप लोग कर लेना, 70 रुपया लग रहा है, 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। एक या दो विषय में अगर आपके मार्क्स कम है तो यहाँ पर स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं, आप साइबर कैफे में जाकर कर सकते हैं या बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in जैसा कि स्क्रीन पे शो हो रहा है उस लिंक पे भी जाकर कर सकते हैं, मात्र 70 रुपया लग रहा है। लेकिन यहाँ पे छात्रों को स्क्रूटनी मेन मायदे नहीं रखते हैं, स्क्रूटनी में आप मार्क्स बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे इसकी गारंटी तो है नहीं, छात्र को यहाँ पे मतलब है तो उनके मार्क्स बढ़ाए जाने से। यहाँ पर देखिए फेल छात्रों की संख्या अगर देखिएगा तो आप चौंक जाइएगा, यहाँ पर मैट्रिक वालों को दिखा रहे हैं कि देखिए 12,93,000 लोग टोटल पास हुए हैं लड़का लड़की सब मिलाकर, और फेल जो हो गए वो 3,60,655, यानी कि 3.5 लाख से भी ज़्यादा, इतना घटिया रिजल्ट आया है, इतना कि 3.5 लाख से भी ज़्यादा, करीब करीब 4.25 लाख लड़के जो हैं वो फेल हो गए हैं,
यानी कि जो पास होने वाले बॉयज़ हैं उनका 50% तो फेल हो गए हैं। यहाँ पे अगर बॉयज़ गर्ल्स कम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे जितना लड़का पास हो रहा है 6,76,000, उसका आधा लड़का फेल कर गया। इसका मतलब कि आधे लड़के ने पढ़ने वाले नहीं थे, यानी कि आपके जो एजुकेशन सिस्टम है या जो कॉपी जांच की प्रणाली है उसने गलती की है, जिसका नुकसान छात्रों को हुआ है। ये छात्र शुरू से मैं बोल रहा हूँ कि छात्रों की कोई गलती यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके मार्क्स 100% बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे उसके लिए ये वीडियो है, तो पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए कि आपके मार्क्स जो है कैसे बढ़ेंगे। शुरुआत में मैंने एक क्लिप दिखाया था, उस क्लिप में देखें कि अब जो है आप लोगों के साथ जो है बड़े बड़े टीचर्स भी आ गए हैं। उनका भी कहना है कि जब आपने एग्जाम के दौरान स्कूल कोचिंग सारे बंद रखे, सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग खुला रहा, ऑनलाइन क्लासेस सभी जगह होती रही, ठीक है, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं उन्होंने ऑनलाइन क्लासेज करवाई, तो यहाँ पर आपने परीक्षा कैसे ले लिया? यानी कि पढ़ने के टाइम में आपको कोरोना आ जाता है, जब पढ़ाई रहती है तो कोरोना आ जाता है, और एग्ज़ाम के टाइम में आपका कोरोना चला जाता है, ठीक है। इस साल भी यही हो रहा है, फिर भी देख रहे हैं कि फिर से आपका स्कूल कोचिंग को बंद कर दिया गया है। आप लोगों ने देखा होगा 11 अप्रैल तक जो है स्कूल कोचिंग सारे बंद हैं, अब ये फिर बार बार बंद होंगे, बार बार खुलेंगे, तो ऐसे में पढ़ाई तो होगी नहीं, छात्र कोचिंग जाएंगे नहीं, आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो पढ़ाई तो अच्छे से होगी नहीं, कोर्स तो कंप्लीट होगा नहीं, एग्ज़ाम के टाइप कोरोना ख़त्म हो जाएगा, फिर से एग्ज़ाम होगा, फिर से छात्र निहत्थे जाएंगे बिना तैयारी के, फिर से वहाँ पर लुढ़क के चले आएंगे। यानी कि अब जो है आप ये चाहते हैं कि छात्र बिल्कुल अनपढ़ रहे, बिल्कुल गंवार रहे, पढ़ा लिखा नहीं रहे, मुझे नौकरी देना नहीं पड़े, कोई नौकरी की बात करेगा ही नहीं, पढ़ा लिखा होगा ही नहीं, एग्ज़ाम निकलेगा ही नहीं। यानी कुल मिलाकर ये मोनोपोली चल रही है इन लोगों की कि किसी तरह से छात्रों को सिर्फ पास कर देना है, ठीक है, उसके बाद नौकरी के लिए तो जगह ही नहीं रहेगी, क्योंकि पढ़ा लिखा रहेगा नहीं, कंपटीशन निकलेगा नहीं। यानी आप जान लीजिए कि आपके मार्क्स बढ़ने वाले, जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है, जो कंपार्टमेंट का प्रोसेस, सब फॉर्म भर दो, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं रखना, आपके मार्क्स 100% बढ़ने वाले हैं और सभी छात्र यहाँ पे पास होंगे। यहाँ पे मुहिम चल पड़ी है, तो इस मुहिम का हिस्सा बनिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के पास, जो भी एक लड़का देख रहा है, हर एक लड़का, यानी कि अगर वीडियो पे 30,000 व्यूज जाता है तो 30,000 लड़का शेयर होना चाहिए, यानी जितना व्यूज उतना शेयर जरूर होना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से इसे शेयर कीजिएगा तो यकीन रखिए, खुद पे विश्वास रखिए कि आपके मार्क्स 100% बढ़ने वाले हैं, मार्क्स बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। बस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं ये अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे व्यूज बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, शेयर करने से आपकी बात आगे पहुँचेगी, इसलिए वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।